हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा सीएसएस का ट्यूटोरियल चल रहा है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है एके डिस्ट्रीब्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके डिस्ट्रीब्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। सो दोस्तों, अभी हम सीएसएस का ट्यूटोरियल देख रहे हैं और लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था फ्लोट और क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, यूआई इसका कुछ ऐसा देखने के लिए था। मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई थी, फ्लोट और क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। वो सब चीज़ें मैं लास्ट के लेक्चर में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। अभी हम क्या देखने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे हम जो हमारी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे कुछ ओवरलैप कंटेनर है कैसे ओवरलैप बनते हैं और कैसे उन चीज़ों को हम ओवरलैप से हटा सकते हैं एंड ओवरलैप चीज़ें हम कैसे हटा सकते हैं। एंड बेसिकली हम क्या देखेंगे, कहने का फंडा यही है कि हम जो ओवरफ्लो वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, उन चीज़ों को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओवर जो हमारी ओवरलैप होती है कि वो जरूरी है कि हाँ भाई रिड्यूस ही करें, कभी कभी वो यूजफुल भी होती है, तो वो सब चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों आज हम ये चीज़ देखने वाले हैं। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, जितने भी मेरे पास ये मेरी ये कंटेनर है इसको मैं क्या करूँगा, पूरे कंटेनर को मैं करने वाला हूँ यहाँ से कमेंट आउट। मैंने यहाँ कमेंट कर दिया है एंड एक नेक्स्ट कंटेनर मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको, अभी हम क्या करने वाले हैं। देखो, मेरे पास एक कंटेनर है, मान लो एक मैं डिव कंटेनर बना देता हूँ। ओके, और डिव मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। डिव मैंने बनाया, उसके अंदर इसकी मैं क्लास दे देता हूँ, जो मेरी क्लास है ये इसकी, यहाँ पे मैंने इसको ए क्लास दे दी है। ठीक है, एंड उसके बाद मैं सेकेंड डिव बनाता हूँ, यहाँ पे बी क्लास देता हूँ उसको, एंड इसी तरह से दो और मैं बना लेता हूँ। ये मेरा सी हो गया एंड ये नीचे मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा डी हो गया, इस तरह से मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अभी हम क्या करेंगे, ए बी सी डी जो थे इनको थोड़ा हम कुछ प्रॉपर्टीज असाइन कर देंगे। तो हमारे पास जो नीचे बी है, जो हमारे पास क्लास बी है एंड क्लास सी एंड क्लास डी। ठीक है, क्लास डी हमारे पास जो है उनको हम सेम प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। तो आपको पता है मल्टीपल इस तरह से हम सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैंने इसको मैं पहले विड्थ दे देता हूँ, कितनी 200 पिक्सल में इसको यहाँ पे दे दूंगा। तो 200 पिक्सल मैंने दे दिया एंड उसके बाद हम हाइट की बात करते हैं, हाइट हम 100 पिक्सल दे देते हैं एंड उसके बाद हम करेंगे बॉर्डर की बात। तो बॉर्डर मैंने 2 पिक्सल सॉलिड दे दूंगा और इसको मैं चलो रेड दे देता हूँ। ठीक है, रेड मैंने दिया एंड सॉलिड मेरे को देना था। हाँ ठीक है, इस तरह से मैंने दे दिया। अभी हम यूआई पे चलते हैं, देखते हैं क्या हमको मिलता है। तो इस तरह से मेरे को मिल रहा है। ठीक है, एंड मैं इसके बीच में क्या करूँगा, थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा। मार्जिन मैंने यहाँ पे दिया एंड मैंने 1 पिक्सल का मार्जिन दे दिया, मार्जिन दे दिया 1 पिक्सल का, थोड़ा गैप दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए कंटेनर था, जो पेरेंट कंटेनर है ए, उसको हम बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर किस तरह से, मैंने 2 पिक्सल सॉलिड के सिल्वर गलत लिखा गया, सॉलिड देंगे एंड इसको हम दे देंगे ब्लैक। ठीक है, ब्लैक मैंने दिया। तो ध्यान से देखो, ये मेरा इस तरह से मार्जिन और ये मेरा कंटेनर आ रहा है। अभी के लिए देखो इस तरह से कंटेनर आ रहा है। अब ध्यान से देखना, जहाँ से मैं तीनों चीज़ें सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फ्लोट किया, जब मैं फ्लोट कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे कर दिया इसको राइट। जैसे ही मैंने राइट कर दिया है, देखो मेरे डब्बे अलग अलग आ चुके हैं। फ्लोट राइट करते ही मेरे डब्बे अलग अलग आ चुके हैं। और आपने एक चीज़ देखी होगी, जो इनका पेरेंट है, पेरेंट एक तरह से क्या हो गया है, बिल्कुल कोलैप हो गया है। ठीक है, ये पेरेंट वाला जो मेरा कंटेनर था वो बिल्कुल ऊपर आ गया और डब्बों ने अपनी जगह ले ली है। समझ रहे हो कि डब्बों ने अपनी जगह ले ली। जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी फ्लोट की, फ्लोट में राइट लेफ्ट जो भी करूंगा, तो मेरे डब्बे अपने स्पेस ले लेंगे, मगर इनका जो पेरेंट कंटेनर था वो कोलैप्स हो गया। ठीक है, उसको वो एक ही लाइन में आ गया, देखो ये वाला। ठीक है, समझ रहे हो, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा आप इजिली समझ जाओगे कि ये लाइन मेरे पेरेंट कंटेनर की थी और ये अलग अलग डब्बे इस तरह से आ चुके हैं मेरे यहाँ पे, मगर ये ऊपर बिल्कुल सटीक हो गया है। ठीक है, अब से पहले अगर मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, तो देखो इसकी क्या थी, इसकी हाइट और विड्थ यहाँ तक थी, समझ रहे हो, यहाँ तक इसकी हाइट और विड्थ थी। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब ये चीज़ें हमको देखनी है कि ये किस तरह से करता है। तो अभी आपने देख लिया कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ से ओवरफ्लो हो गई है सब चीज़ें, ये इसके ऊपर आ गई है और ये बैक एंड से, मतलब इसके जो बैक में है वो पीछे हो गया एक तरह से। वो कह रहा है भाई मैं इतना स्पेस ठीक है कि तुम ओवरफ्लो में आ जाओ, तुम ऊपर आ जाओ, मैं अपने को सपोर्ट लेता हूँ, मतलब एक तरह से समेट लेता हूँ वो चीज़ें। अब क्या करेंगे, जो हमारा कंटेनर है, अगर हम कंटेनर को देखो, कंटेनर के अंदर ओवरफ्लो वाली चीज़ें हैं, अगर इसके अंदर मैं आउटो कर दूँ, आउटो जैसे करूँगा, तो देखो ध्यान से देखना, आउटो करने का मतलब है कि उसकी अभी के लिए क्या था,
अभी के लिए वन बाई वन आ रहे थे, तो इसका जो स्पेस था वो यहाँ से याद आ रहा था, बट अभी के लिए वन बाई वन कैसे आ रहे कि एक के बाद एक इस तरह से आ रहा है, ठीक है, रो की तरह। तो ये जो इसका पेरेंट था इसने क्या करा, इसके इसके अकॉर्डिंग ही इसने इसकी हाइट ले ली है, ठीक है, ये आउट में हो गया। तो एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई, इससे अगर आपको नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं है, मैं दूसरी चीज दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको और भी समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें थोड़ा बहुत समझ में आ गई होंगी। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इसको भी यहाँ से कमेंट आउट करने वाले हैं, ये चीजें कमेंट आउट मैंने कर दी। अभी हम यहाँ पे एक कंटेनर और बनाने वाले हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक कंटेनर बनाता हूँ डिव, मैंने डिव बनाया एंड इसकी इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ दे दिया। ओके, मैंने गलत दे दिया भाई, मेरे को पैरा देना है इसके अंदर, मैं लोरम कुछ लिख देता हूँ, लोरम मैंने 250 मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, 250 नहीं बहुत ज़्यादा लिख दिया यार, चलो कोई बात नहीं, जितना भी लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम देते हैं क्लास, क्लास किस तरह से दे दें, यहाँ पे ए बी सी डी तक हो गई है, ई एफ मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे, एंड मैं यहाँ इधर आता हूँ। अब एफ के अंदर मेरे को करना क्या है, पहले हम यू आई देखते हैं, यू आई के अंदर देखो इस तरह से हमारा आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो पेरेंट था जिसको मैंने डी ई देनी चाहिए थी, यार मैंने गलती से एफ दे दी, क्योंकि सिक्वेंस में हम चलेंगे, मैंने इसको ई देनी थी, मैंने ई क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, जो मेरी डॉट ई क्लास है यहाँ पे मैं इसको हाइट एंड विड्थ दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने विड्थ कितनी दी थी, 50%, ठीक है, कितनी 50%। हाइट मैं दे देता हूँ, हाइट मैंने कितनी दी है, हाइट मैंने 500 पिक्सल, ठीक है, पिक्सल में मैंने हाइट दे दी है, 50% मैंने वो दे दी। अब इस तरह से आ गया, बॉर्डर देते हैं पहले, ठीक है, बॉर्डर से थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। मैंने बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल, सॉलिड सॉलिड दे दिया इस तरह से, देखो बॉर्डर मेरा इस तरह से आ गया। ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, जो मैंने हाइट और विड्थ दी है वो तो मेरी ओनली यहाँ से यहाँ तक ही है, जो मेरी हाइट और विड्थ का बॉक्स है वो तो मेरा ओनली यहाँ से कितना आ रहा है, वो तो यार क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे को इसको यहाँ से, हाँ ये करना है, जो मैंने हाइट और विड्थ दी है वो बॉक्स तो मेरा यहाँ से यहाँ तक ही है, बट बचा हुआ कंटेंट मेरा देखो नीचे नीचे देखो स्क्रोल में कितना आ रहा है, ये चीज़ें आ रही है। अभी क्या है, ये अभी नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई हाइट नहीं कुछ नहीं, मतलब हमारे पेरेंट से बाहर चली जा रही है चीज़ें। यही केस पहले हुआ था, वो कह रहा था भाई मुझसे बाहर चले जाओ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, तुम काम कर लो, ओवरफ्लो हो गया एक तरह से। अब देखो दूसरी चीज, अब हम चाहते हैं इसके अंदर यहाँ पे ओवरफ्लो करके एक प्रॉपर्टी है, अगर हम ओवरफ्लो हाइड करते हैं, ध्यान से देखो जितना भी नीचे कंटेंट था वो सारा हाइड हो गया है। अच्छा एक चीज आप समझ रहे हो इस चीज में, आई थिंक अगर आपको समझ में आ रही होगी कि देखो जितना भी मेरा कंटेंट था वो मेरा क्या हो गया, एक तरह से ओवरफ्लो हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा वो इस प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा था, यहाँ से स्क्रॉल भी हट गया है मेरा, एक ही पेज बचा हुआ है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ दूसरा पेज आ ही नहीं रहा है, ठीक है, मैं वो समझाना चाह रहा था बट वो हट गया, कोई इशू नहीं है। तो अभी आप समझो कि ये वाला मेरा पूरा ओवरफ्लो करके ये नीचे का कंटेंट सब हट गया, सब हाइड हो गया, हाइड होकर दिख ही नहीं रहा है कि भाई ये चीज़ क्या है, ठीक है, ये चीज़ पहली तो ओवरफ्लो में हाइड करते हाइट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल कर दें, ठीक है, स्क्रॉल अगर आप कर देंगे तो देखो ध्यान से देखो स्क्रॉल आ गया है, आपका वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी दोनों तरह से स्क्रॉल आ गया, देखो स्क्रॉल कर रहे हो पूरा कंटेंट देख पा रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, देखो इस तरह से स्क्रॉल करा आपने, आप वहीं पर देख पाओगे, ये सब चीज़ें देख पा रहे हो, तो ये सब चीज़ें इस तरह से हो गई हैं। अगर आप इसको आउटो कर दें, अगर आप यहाँ पे इसको आउटो कर दें, आउटो करके क्या होगा, आउटो करके देखो यहाँ पे स्क्रॉल तो मिल रहा है हमको ओनली राइट साइड में मिल रहा है, ठीक है, इधर की साइड ही में हमको स्क्रॉल मिल रहा है, बट हमें लेफ्ट यहाँ पे इसके बॉटम में स्क्रॉल नहीं मिल रहा है, मिलेगा जब जब इसकी नीड होगी, जब कंटेंट राइट की तरफ ओवरफ्लो होगा इधर की तरफ तब हमको ये मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वर्क करता है, तो ये सब चीज़ें आपने देख ली। एंड अभी हम चलते हैं यहाँ पे हम देखते हैं ओवरफ्लो, ओवरफ्लो सीएसएस, ठीक है, ओवरफ्लो सीएसएस हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे, एक दो प्रॉपर्टी और जो होंगी वो सब चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या विजिबल वाला आपको पता है कि दिखेगा, हाइड वाले का मतलब क्या होता है वो छिप जाएगा, स्क्रॉल वाला क्या होता है कि स्क्रॉल दिखा देगा, और आउटो वाला है कि स्क्रॉल आ जाएगा, ठीक है। तो विजिबल बाय डिफॉल्ट होता है, हाइड के अंदर कंटेंट हाइड हो जाता है, एंड स्क्रॉल के अंदर क्या होता है स्क्रॉल आ जाएगा दोनों तरफ, बॉटम में भी और राइट में भी, बट अगर आउटो की बात करते हैं तो वो देखेगा सिचुएशन क्या है कि भाई किधर की तरफ स्क्रॉल की नीड है, कंटेंट के अकॉर्डिंग स्क्रॉल आता है, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारी ये चीज़ें हो गई थी, ये सब प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, ईजिली आप इसको कर पाए हो, प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया। दोस्तों काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे यार, आपको ये लगाने बताने के लिए कोशिश करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट आपको दे पाऊँ। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, एंड सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ यार, आप सब्सक्राइब करोगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, एंड हम और अच्छी अच्छी वीडियो ले आएंगे।
सो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वही दोबारा से डायलॉग कि क्या आप लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।